अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? आज एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पे वीडियो बना रहा हूँ, रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन पे, कि अक्सर स्टूडेंट्स हैं या दोस्त हैं वो समझ नहीं पा रहे होते कि मैं LLC कह रहा हूँ या अगर कोई बंदा LLC की बात कर रहा है या INC कर रहा है, वो क्या चीज़ है। ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि जब LLC का नाम आता है ना, हम कहते हैं कि LLC की स्क्रिप्ट रेसिंग करते हैं। तो LLC की स्क्रिप्ट रेसिंग क्या है? LLC का पहले हमने एजेंट ढूंढना है, ठीक है ना, ऑनर इन्फो जिसको कह लें। अगर हम सिंपल कोई, हमारे पास एक एड्रेस है, ये एड्रेस है 1619 शेफर्ड ड्राइव आई थिंक, ठीक है, हाँ शेफर्ड ड्राइव, इसका हमारे पास एड्रेस है, हमने इसका क्या कहना है, हमने इसका ऑनर इन्फो ढूंढनी है। तो हम इसको सर्च करते हैं काउंटी से जाके, काउंटी असेसर्स की वेबसाइट से, तो वहाँ से हमें इसका ऑनर नेम निकलता है। अब ऑनर नेम, ये नेम भी हो सकता है, LLC भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसको ओनर इन्फो कहते हैं। तो अगर हमारे पास LLC निकली है, अब LLC की भी आगे हमने ओनर इन्फो निकालनी है ना, हमारे पास बंदे का नेम तो नहीं, स्किप ट्रेसिंग हम कैसे करेंगे? स्किप ट्रेसिंग के लिए हमारे पास मेलिंग एड्रेस और ओनर का नेम होना लाजमी है, उसके बगैर हम स्किप ट्रेसिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास LLC है, LLC में क्या क्या चीज़ आती है? LLC सिंपल वर्डिंग में LLC कह दिया जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। LLC है, LP है, LTD जिसको लिमिटेड कहते हैं, कॉरपोरेशन है, CORP कंपनी है, CO है, ये CORP ये भी LLC में काउंट होगी, LLC भी LLC में, ये LLP ये भी LLC में काउंट होती है, ठीक है। और इसके बाद INC है, ठीक है, ये LLC आ गई, LLC, INC, LTD यानी कि लिमिटेड, ठीक है, ये सारी, इनको आप LLC ही कह सकते हैं, कहते हैं ना, या इन्वेस्टमेंट INV भी लिखा होता है एंड पे, या जैसे ये गुप्ता इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड है, ठीक है, ये LLCs ही हैं, इनको हम एक सिंपल वर्ड कह देते हैं कि जी LLC की स्क्रिप्ट रेसिंग करनी है। तो LLC में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ LLC जिसके साथ लिखा है हम उसकी कर रहे हैं, ठीक है। LLC मीन्स उसमें कंपनीज आ जाती हैं, ठीक है ना, फर्म्स हैं या कंपनीज हैं, INC है या ट्रस्ट भी कहा जा सकता है, और LP है, LLP है, कॉरपोरेशन है, ये सब इसको एक ग्रुप बना के हम उसको LLC का नेम दे देते हैं, ठीक है। तो जब LLC को स्किप ट्रेसिंग करनी है, तो उसकी स्किप ट्रेसिंग के लिए हमें पहले फिर LLC की ओनर इन्फो निकालनी है, या उसका मालिक हमें मिलेगा या उसका वो एजेंट मिलेगा जिसका हमारे पास नेम आएगा, ठीक है। जैसे ये सर्च किया इसका प्रॉपर्टीज़ LLC वाले का, इसका ये LLC ओनर नेम, ठीक है ना, फ्रेडरिक जे सेपलेक, ठीक है। इसका एड्रेस भी हम निकालेंगे, अगर यहाँ से डिफरेंट होगा हमारे पास नहीं है, तो अगर हमारे पास ऑलरेडी जो एड्रेस है उसका सर्च करने से वही आ रहा है, हमारे यहाँ से भी हम कर रहे हैं अपना सर्च उसको, ठीक है, तो अगर वो नहीं है देन हम उसको एड्रेस भी यहाँ पे डाल देंगे जो न्यू उसका मेलिंग एड्रेस है, ठीक है, ताकि फिर हमारे पास मेलिंग एड्रेस भी हो जाएगा और नेम भी आ जाएगा, देन हम उसकी स्किप ट्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कुछ फ़ायदा देगी ये वीडियो मेरी भी, कि समझने में आपको आसानी हो जाएगी कि LLC हम किसे कहते हैं, ठीक है, वो क्या चीज़ है, उसकी स्किप ट्रेसिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। बाकी वीडियोस मेरी हैं LLC स्किप ट्रेसिंग कैसे करनी है या दूसरी स्किप ट्रेसिंग कैसे करनी है, VPN वगैरह पे, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।